नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आप सभी का खैर मकदम है। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में पेश है आज का खबरनामा। खबरों की तफसील से पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। वादी कश्मीर में भारी बर्फ का सिलसिला दोबारा शुरू, कौमी शहरा को ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद करना पड़ा। ज़िले तरक्याती कमिश्नर शाहिद चौधरी का घरेलू जानवरों के साथ जंगली जानवरों से न मिलाप करने की हिदायत। शालटिंग श्रीनगर के खालिब आबाद इलाके में घर के आग हुए 3 साल बच्चे की मौत से पूरे इलाके में मातम छा गया। जम्मू के ज़िले पुंछ में अस्करियत पसंदों की कमीनगाह तबाह, भारी मिकदार में गोला बारूद जब्त कर लिया गया, पुलिस का दावा। खबरों की तफसील से पहले एक वक्फा। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खसूसी पेशकश, सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्रह्मना जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फीन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, जेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाएं और मौसमी सरमा में नरम मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक आज वादी कश्मीर में अलग सुबह बर्फ का सिलसिला शुरू हुआ। भारी बर्फ की वजह से लोग तरह तरह के मुश्किलात से दो चार हुए। अतराफ व अकनाफ से ट्रैफिक जाम की शिकायत मौसूल हुई। चंद मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ा। ट्रैफिक जाम के साथ साथ फिसलन की वजह से गाड़ियों को काफ़ी सुस्त रफ्तारी से अपने मंजिलों की तरफ रवाना होना पड़ा। पहले मेयर साहब ने कल मीटिंग ले ली है, कमिश्नर साहब ने और हमारे ऑफिसर साहब ने कल मीटिंग हमने रखे, मैन एंड मशीनरी रखे हमने रेडी। हमने 80 डोजर लाए हैं और वे ट्रैक्टर्स लाए हैं। हमारे पास जो भी मशीनरी है वो रेडी है, मैन भी रेडी है, हमारा सफाई कर्मचारी वो भी रेडी हैं। जो प्रेडिक्शन था पहले थे, हमने पता है प्रेडिक्शन थी, हमने आज पूरा तैयारी रखा है। जहां बर्फबारी से वादी कश्मीर में लोगों को तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को दोबारा ट्रैफिक की आहुजाही के लिए बंद करना पड़ा। महकमे ट्रैफिक ने लोगों को खबरदार किया है कि तब तक कौमी शहरा पर सफ़र न करें जब तक महकमे ट्रैफिक इजाज़त ना दे। कौमी शहरा पर लाउड स्पीकर के ज़रिए ऐलान किया गया कि अपनी जानों की हिफाजत की जाए और कौमी शहरा पर फ़िलहाल सफ़र करने से परहेज़ करें। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग वापस चले जाएं। जो गाड़ियां नगरोटा क्रॉस हुई थी वो गाड़ियां फंस चुकी हैं। चनैनी, रामबन, बटोत, नाशरी, हर जगह गाड़ियां फंस चुकी हैं। हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग वापस चले जाएं। जान है तो जहान है। देखियो घर में आपका कोई वेट कर रहा है, आपका कोई इंतजार कर रहा है। जब रास्ता थ्रू होगा तो आप लोग बिना रिस्क लिए जा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग वापस चले जाएं, क्योंकि जब भी ट्रैफिक होगा वो जम्मू टू श्रीनगर ही होगा। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग वापस चले जाएं। जान है तो सब कुछ है, घर में आपका कोई वेट कर रहा है। रिस्क ना उठाएं, क्योंकि आगे पसियां आना शुरू हो गई है, आगे भारी बर्फबारी हो रही है, आज निकलने का कोई इम्कान नहीं है। आज जिले तरकियाती कमिश्नर डॉक्टर शाहिद चौधरी ने सहाफियों से बात करते हुए आम लोगों से अपील की है कि घरेलू जानवरों के साथ जंगली जानवरों को न मिलाया जाए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जंगली जानवरों में किसी किस्म की बीमारी लाहक हो जिसका असर हमारे घरेलू जानवरों पर पड़ सकता है। इस किस्म की अपील यहाँ के पोल्ट्री फार्म चलाने वाले मालिकान से भी की गई है। मीडिया के जरिए
बहुत सारे लोगों की डिस्कशन रहती है, चर्चा रहता है कि जो बर्ड फ्लू है वो वाइल्ड बर्ड्स में नोटिस किया गया है, तो हमें अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बर्ड फ्लू जो एक जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़ ये है कि जो किसी एनिमल या बर्ड से इंसान में ट्रांसमिट हो सकती है। जो वाइल्ड बर्ड्स हैं कई जगह वो हैबिटेट शेयर करते हैं हमारे डोमेस्टिक बर्ड्स के साथ, कहीं पोल्ट्री फार्म में, कभी रेजिडेंशियल पे। हमारा एक बड़ा अच्छा कल्चर है कि हम बर्ड्स को फीड करते हैं। जब बर्ड्स को हम फीड करते हैं तो कई बार जो वाइल्ड या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हमारे जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं, पोल्ट्री है, उसके साथ वो मिक्स होते हैं, वहाँ से ट्रांसमिशन का खतरा जो बढ़ता है। इसलिए एडवाइजरी भी इशू की गई है कि वाइल्ड बर्ड जो है उनके साथ कॉन्टैक्ट ना किया जाए कहीं भी, अगर इस किस्म का कहीं हैबिटेशन में मिक्सिंग होती है। 4-5 लोकेशन पे ऐसे केसेस पाए गए हैं अभी तक जो माइग्रेटरी या वाइल्ड बर्ड्स में ही हैं, डोमेस्टिक बर्ड्स में नहीं है। लेकिन बायोसेफ्टी मेजर जो हैं वो नोटिफाई की गई हैं। हमारे जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 28 पोल्ट्री फार्म हैं, उसमें से लगभग 60,000 to 70,000 एवरेज बर्ड्स उनके पास होते हैं। वहाँ हमारी टीम्स फ्रीक्वेंटली विजिट कर रही हैं। और जैसे आप जानते हैं कि पहले बैन रहा है पोल्ट्री के इम्पोर्ट पर, अभी वो लिफ्ट भी किया गया था, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में या कश्मीर में जो भी स्टॉक आ रहा है उसमें एनिमल हस्बेंड्री की जो वेटनरी की टीम्स हैं वो भी काम कर रही हैं, और जो माइक्रोबायोलॉजी की टीम्स हमने डिप्यूट की हैं। पब्लिक से भी अपील रहेगी कि कहीं कोई ऐसा इंस्टांस या ऐसा कोई सस्पिशियस केस दिखता है तो हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर वो कॉन्टैक्ट करें। बहुत शुक्रिया। आज रोड सेफ्टी महीने की तकरीबात के सिलसिले में एक सेमिनार के दौरान जिले तरक्याती कमिश्नर ने सहाफियों से मुखातिब होकर कहा, इनके साथ तमाम जो स्टेक होल्डर एजेंसीज हैं तमाम लोग मिल के एक महीने तक के अरसा में जो एक शेड्यूल ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, खास करके लेकर ट्रैफिक अवेयरनेस जिसकी थीम है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आज एक वन डे सेमिनार और वर्कशॉप यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें सभी स्टेक होल्डर यहाँ पे हैं, और जब तक स्टेक होल्डर्स की कंप्लीट पार्टिसिपेशन ना हो तब तक ट्रैफिक मैनेजमेंट स्मूथ नहीं हो सकती। जहाँ एक तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करने का जो फोकस लेके चलते हैं और जो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे व्हीकल ओनर्स हैं, रोड यूज़र्स हैं, रोड बिल्डिंग एजेंसीज हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग रोल अपना अदा करते हैं, तो जब सभी एजेंसीज अपना रोल अदा करती हैं तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो स्मूथ हो सकती है। बहुत सारे यहाँ पे बाकी कोलीग्स जैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने डिस्कस किया, एक्सीडेंट के विक्टिम्स जिन्होंने अपनी अपील की और बताया कि अगर वो रोड सेफ्टी रूल्स अडॉप्ट करके चल रहे होते शायद वो हादसा का शिकार ना होते। इस तरह से प्लानिंग की तरफ से और जैसे टाउन प्लानिंग और बाकी जितने भी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा एक तबादला ख्याल हुआ है, और ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो रोड सेफ्टी के कवानीन जो हैं उनको अडॉप्ट करें, उनको फॉलो करें अपनी सेफ्टी के लिए और जो रोड यूजर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए। कल शाम श्रीनगर के शालटेंग के गालिब आबाद इलाके में एक 3 साल बच्चा घर के आब हुआ। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक 3 साल सालिम बिलाल अपने ही घर के अकब में वाका दलदल में जाकर जान बहक हुआ। पुलिस और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की काविशों की बदौलत बच्चे की लाश को दलदल से निकाला गया। खबर सुनते ही आसपास के तमाम लोग जमा हुए और आखिर में पूर्णम आंखों से बच्चे को लगभग रात के 1 बजे अपने आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। रात शाम वह आबस म तथ मैं कर शुक्र मीडिया एस एच ओ सो पारिमपोर बिज रेस्क्यू टीम तिंद शुक्र गुजार कर कि तमो ठंड यह कल अगर नी कल यह मिले नुन तक कह यह तिंद शुक्र युद त शुक्र गुजार मीडियो खास कर यमो तो यह सारे तान वात खास कर महल वाले हर साथ साथ। आज महकमे उमूरी सार्फीन CAPD एम्प्लॉज एसोसिएशन के सदर एजाज खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतजामिया से कई मुतालबात की मांग करते हुए 35% आम लोगों के लिए आधार कार्ड बनाने पर भी जोर दिया। एजाज खान का मजीद कहना था, चंद दिनों से आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राशन की कटौती की बात हुई है। यहाँ मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि सरकार
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब ये सारा जो राशन सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है, इसको ऑनलाइन कर रही है। अब वन नेशन वन कार्ड इजरा किया जा रहा है। इस हवाले से आपने देखा होगा कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यही हिदायत है, जिसको आधार होगा उसी को राशन दी जाएगी। इस हवाले से मेरी ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, खासकर यहाँ के गवर्नर साहब से, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे एडवाइज़र साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से, हमारे डायरेक्टर साहब से इल्तिमास है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर श्रीनगर सिटी में 64% आधार इशू हुए हैं। सभी लोगों के पास अभी आधार नहीं है, और जो 2011 की सेंसस के हिसाब से हम राशन फराहम करते हैं या उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, आज वो अल्लाह के फजल करम से 8-9 साल के हैं, उनको भी हम राशन दे रहे हैं। मेरा यही है, सरकार से मुतालबा है कि आधार कार्ड सभी लोगों के इजरा किए जाए जो पीडीएस सिस्टम के दायरे में आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे सेल सेंटरों के साथ साथ एक आधार कार्ड वाले को भी अटैच रखा जाए, ताकि जिन लोगों के पास अभी आधार नहीं है उनको भी आधार मिल जाए और लोग राशन से मुस्तफीद हासिल कर सकते हैं। जम्मू के ज़िले पुंछ के हरिबुदा से खबर है कि एक मुसद्दी का इतला मिलने पर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल की 183 बटालियन ने छापा मार कर अस्करियत पसंदों की कमीनगाह को तबाह कर दिया और भारी मकदार में गोला बारूद जब्त कर दिया। कमीनगाह से AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 3 अदद चाइनीज़ पिस्तौल, 5 पिस्तौल मैगजीन, UBGL ग्रेनेड और गोलियों के कई राउंड बरामद किए। ज़िले बारामूला के बोनियार से खबर है कि चालान इलाके में फिसलन की वजह से एक तवेरा गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हुई, जिसके नतीजे में 3 अफराद बुरी तरह ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर PHL बोनियार मुंतकिल किया गया, जहाँ तीनों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। तो नाज़रीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगेबान।